प्रिय मित्रों, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। शिष्य प्रधान पेत्रुस का ये प्रस्ताव सारगर्भित है। इसका संदर्भ यह है कि पांच रोटियों के चमत्कार के बाद कफरनाहम के सभागृह में प्रभु ने कहा कि स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी में हूं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता वो कभी नहीं मरेगा, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। ये सुनकर यीशु के अनेक शिष्य विचलित होकर उन्हें छोड़कर चले गए। उनका तर्क यह था कि यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। अपने शिष्यों को हताश होकर जाते देखकर यीशु ने न तो उनको वापस बुलाया और न ही अपनी शिक्षा को बदला। उल्टे उन्होंने अपने 12 शिष्यों के सामने ये चुनौती रख दी कि चाहे तो वे भी जा सकते हैं। तभी पेत्रुस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। मानव पुत्र यीशु जीवन की रोटी है, जीवंत शब्द है, जीवन का मार्ग है, जीवन ही है। इसे पहचानना और स्वीकार करना साधारण बात नहीं है। ईश्वर की कृपा के बिना यह सत्य कोई समझ नहीं सकता। कैसरिया फिलिपी में यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं, तुम्हारा विचार क्या है? तब पेत्रुस ने कहा, आप जीवन ईश्वर के पुत्र मसीह है। इससे प्रसन्न होकर यीशु ने कहा, मेरे स्वर्गीय पिता ने ही तुम पर यह सत्य प्रकट किया। कहने का मतलब यह कि पेत्रुस की खोपड़ी में ये बड़ी बड़ी बातें विकसित नहीं हुई, बल्कि ईश्वर की कृपा से ही ये ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। इस सच्चे ज्ञान के अभाव में हमारा विश्वास कमजोर है। हमारे विश्वास जीवन में कोई ओज या स्फूर्ति नहीं है। जीवन की रोटी का मतलब या गुरु के मांस रक्त खाने पीने का रहस्य शिष्यगण समझ नहीं पाया था। फिर भी अन्य शिष्यों के समान गुरु को त्यागने को भी तैयार नहीं थे, क्योंकि जीवन का वचन उन्हीं में था। यह ज्ञान अति गहरे स्वभाव का है। ज्ञान के भी अनेक स्तर होते हैं। कभी कभी ज्ञान बुद्धि को छू लेता और वही सीमित रहता है, लेकिन जब ज्ञान मन या हृदय को स्पर्श करता है तो व्यक्ति की जीवन शैली बदल जाती है। शिशु का गुरु संबंधी ज्ञान विकसित होता रहा और वह उनके तन मन व पूरे व्यक्तित्व को प्रचोदित करता रहा। इसी के फलस्वरूप वे गुरु से चिपकते रहे और अंत में गुरु के प्रति जीवन त्यागने में जीवन की सफलता समझी। जीवन की रोटी और जीवन शब्द अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही है, प्रभु मसीह है। अपना मांस और रक्त हमको भोजन के रूप में देकर प्रभु हमारे भीतर वास करना चाहता है, लेकिन उसी प्रक्रिया से वो हमें अपने हृदय में समा लेता भी है।
ईश्वर मनुष्य को इतना प्यार करता है कि वो स्वयं को उसका भोजन बनाता है और जो वो भोजन करता है उसे अपने हृदय में बसा लेता है। इस प्रकार ईश्वर और मनुष्य एक बन जाते हैं। इसी सत्य को समझाते हुए संत पौलुस कहते हैं कि अब मैं नहीं, मसीह मुझ में निवास करता है। इसकी प्रायोगिक वास्तविकता यह है कि मैं कभी अकेला नहीं हूं। जब दैनंदिन समस्या संकटों से घेरा जाता हूं तब मैं ये मधुर शीतल वाणी सुनता हूं, डरो मत, हिम्मत न हारो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आंखों के सामने भय, दुविधा, एकाकीपन और अंधेरा नाचने लगता है तो ये प्रोत्साहक जनक एवं शक्तिदायक स्वर में सुनता हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे ईश्वर हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा। इस प्रकार ईश्वर का जीवंत वचन जीवन के रोटी के रूप में हमारे भीतर आकर हमें जीवन देता है, हमें सक्रिय बनाता है। हम ईश्वर को दिल से धन्यवाद दें और उसी में बने रहने की कृपा मांगे। जय यीशु।